चक्रवाती तूफान ताऊते के बाद अब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात याज से निपटने के लिए सरकार और सेना पूरी तरह तैयार है। एक तरफ गृह मंत्रालय इस पर नजर बनाए हुए है, तो वहीं नौसेना के 4 जंगी जहाजों और हेलीकॉप्टरों, जबकि वायुसेना के 11 मालवाहक विमानों और चेतक व MI-17 जैसे 25 हेलीकॉप्टर की तैनाती की गयी है। दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ई रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन के 1.5 लाख से अधिक चालकों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता को मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होने लगी है। देश में रविवार को 2,22,704 लोग पॉजिटिव पाए गए। यह आंकड़ा पिछले 38 दिनों में सबसे कम है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज सुबह अमेरिका पहुंच गए हैं। कोविड संकट के बीच विदेश मंत्री जयशंकर का यह दौरा भारत की वैक्सीन जरूरतों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शेयर बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले। BSE सेंसेक्स 186 अंक और NSE निफ्टी 36 पॉइंट ऊपर खुला। कारोबार की शुरुआत में सॉफ्टवेयर कंपनी बिरला सॉफ्ट के शेयर में करीब 15% का उछाल आया था।